देश में इस वक्त चाइनीज प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट को लेकर मुहिम चल रही है। स्मार्टफोन मार्केट में अभी तक चाइनीज कंपनियों का ही जलवा था। देश में हर दूसरा फोन चाइनीज कंपनी का ही है। ऐसे में चाइनीज मोबाइल कंपनियों को टक्कर देने के लिए भारतीय मोबाइल कंपनी लावा ने जबरदस्त कमबैक किया है। लावा एक से बढ़कर एक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन लेकर आ रही है और अब लावा ने अपने स्मार्टफोन लावा Z61 Pro, लावा A5 और लावा A9 का प्राउडली इंडियन एडिशन पेश किया है। कंपनी ने इन एडिशन को 74वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर पेश किया है। प्राउडली इंडियन स्पेशल एडिशन के तहत फोन को तिरंगे के रंग में रंगा गया है और फोन के बैक पैनल पर प्राउडली इंडियन लोगो है। तीनों फोन के नए एडिशन की बिक्री जल्द ही शुरू हो जाएगी। लावा Z61 Pro में 5.45 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलेगी। इसके अलावा इस फोन में 1.6 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी है। फोन में 2GB रैम के साथ 16GB की स्टोरेज मिलेगी, जिसे मेमोरी कार्ड की मदद से 128GB तक बढ़ाया जा सकेगा। ये फोन पहले से अम्बर रेड, मिडनाइट ब्लू और शैंपेन गोल्ड कलर वेरिएंट में मौजूद था और अब इसमें एक प्राउडली इंडियन वेरिएंट भी जुड़ गया है। इसकी कीमत ₹5,777 है। इसके अलावा कंपनी ने A5 प्राउडली इंडियन एडिशन का फीचर फोन भी लॉन्च किया है। लावा के इस फीचर फोन में 2.4 इंच का QVGA डिस्प्ले दिया गया है। डुअल सिम स्लॉट के साथ आने वाले इस फोन की मेमोरी को माइक्रो SD कार्ड की मदद से 32GB तक बढ़ाया जा सकेगा। फोन के रियर में एक कैमरा लगा है जो जूम और वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर के साथ आता है। इस फोन की कीमत ₹1,333 है। कंपनी का कहना है कि उसने इस फीचर फोन में खास सुपर अल्ट्रा टोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो कॉल के दौरान यूजर की प्राइवेसी को बनाए रखती है। इसके साथ ही इस फोन में AI बैटरी फीचर भी मिलता है। लावा के इस फोन में 1000mAh की बैटरी लगी है, जो एक बार चार्ज होने पर 3 दिन का बैकअप देती है। इसके साथ ही कंपनी ने लावा A9 नाम का एक और फीचर फोन लॉन्च किया है। इस फोन में 2.8 इंच का QVGA डिस्प्ले दिया गया है। फोन में डुअल सिम स्लॉट, बिल्ट इन ब्लूटूथ के साथ 1700mAh की बैटरी लगी। ये बैटरी एक बार चार्ज होने पर 6 दिन का बैकअप देती है। फोन की मेमोरी को माइक्रो SD कार्ड के जरिए 32GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में फ्लैशलाइट के साथ 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। लावा इंटरनेशनल के हेड प्रोडक्ट तेजिंदर सिंह ने लॉन्च पर कहा, एक भारतीय ब्रांड के रूप में हम समाज के हर वर्ग के लिए प्रोडक्ट लाते रहे हैं। लावा Z61 Pro वास्तव में एक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है। यह न केवल सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, बल्कि ये एंट्री लेवल सीरीज में बेहद ही आकर्षक डिवाइस भी है। ये आपके मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने और आपको प्राउडली इंडियन महसूस कराने के लिए एक सही फोन है। तो अगर आप भी मेड इन इंडिया फोन लेना चाहते हैं, तो लावा के ये शानदार फोन आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं।